भाइयों एक बार अपना परफॉर्मेंस दिखाऊंगा न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन की। और ये ट्रैक्टर आया है करनाल से महला मिस्त्री के पास, और पहले ये ट्रैक्टर पाल डीजल वाला है उसके पास गया था, वहाँ पर इन्हें काम करवाया ट्रैक्टर का, बात नहीं बनी शायद, वो कस्टमर से पूछेंगे क्या रहा क्या नहीं, कैसा काम किया था पाल वाले ने, संतुष्टि क्यों नहीं हुई, ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही वहाँ करवाने के बाद। अब ये महला मिस्त्री ने सेट किया है तो एक बार चला गए और उसके बाद फिर कस्टमर का रिव्यू कराएंगे भाई। पहले कस्टमर बिल्कुल फुल ओपन हो गया भाई, आगे कोई पाइप में जगह नहीं बची है बिल्कुल भी, मिस्त्री का रहा जैसे तरह मन करा वैसे चला भाई, अगला भी कैसे चलाऊँ भैया, देखो तो यहाँ पर ट्रैक्टर चलागा, यहाँ पर काफ़ी रेत हो चुका है पहले ट्रैक, ये देखो काफ़ी रेत बिल्कुल, वो ट्रैक्टर अब ट्रैक में ट्रैक्टर डाल दिया है। ट्रैक्टर के साथ चल के वीडियो नहीं बनाई जाएगी भाई, क्योंकि रेत काफ़ी है और गर्म भी है, पैर जलाएंगे, चलिए यहीं से आपको दिखा देंगे। दूसरे गियर में चला दिया भाई, ये नॉलेज के लिए वीडियो हो भाई, कोई किसी मिस्त्री है बैकऑन आ गए, कोई किसान पैसे भी खर्च हो जाए, ट्रैक्टर का भी हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो अपना पहले संतुष्टि करो उसके बाद काम करवाओ भाई, अपना कहना ये है, और इसीलिए किसी भाई का नुकसान ना हो, ट्रैक्टर भी ख़राब हो जाए पैसे भी लग जाए फिर बार बार घूमना पड़ा है कभी किसी मिस्त्री के पास कभी किसी मिस्त्री के पास, पानी नहीं है ट्रैक्टर के टायर में बिल्कुल भी भाई, ये देख लो अब ये ट्रैक्टर चौथे के मीडियम गियर में लगा रखा है, जिसमें कि पोलैंड की चौथे मीडियम गियर में दूसरे के ऐसे ज़्यादा चाल हो जाए भाई, लगभग ढाई गियर की चाल हो जाए, और अब स्लिप देख लो ट्रैक्टर कितनी स्लिप मार रहा है, ये देखो स्लिप हरो देखो बिल्कुल भरी हुई, ग्राउंड से ऊपर हरो नहीं दिख रही, चौथे के मीडियम में है भाई ट्रैक्टर फिलहाल, और ये देखो भाई ट्रैक हालत कैसी होगी बिल्कुल रेत, और स्लिप भी देख सकते हो आप कितनी स्लिप मार रहा है ट्रैक्टर भाई, बिल्कुल कितनी स्पीड से टायर घूम रहे हैं, चौथे के मीडियम गियर में अब हल्की सी दबाव महसूस कर रहा है ट्रैक्टर, अब दूसरे गियर में लगा देंगे आई गए में, ये आई गया दूसरे गियर में भाई, फिलहाल टायर देखो भाई बिल्कुल भरी हुई जा रही है, और ये जो ट्रैक है लगभग यहाँ एक जगह है 50 बार हरो आ चुकी है, चल रहा होगा ट्रैक्टर कोई भी आरपीएम ड्रॉप नहीं कर रहा फिलहाल, अब चौथे के मीडियम गियर में भाई, ये बड़े गियर में है,
किसान अपनी पूरी संतुष्टि कर रहा है यार, बदल बदल गया। एक बार एरो की हालत देखो भाई, कितनी मिट्टी आगे एरो लेकर चल रही है, देखो बिल्कुल गोड़ी बनी हुई है और पूरी एरो ओपन है भाई, देखो और पूरी गोड़ी बनी हुई है आगे, कितना रेत काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए भाई तो ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस आपने देखी है, जो कि मिस्त्री ने अब सेट किया है। ये भाई पहले दुखी हो रहे थे काफ़ी, इन्होंने ट्रैक्टर करवाया था पाल डीजल वाले के पास पंप, लेकिन सेटिंग नहीं आई ट्रैक्टर की, और भाई से एक बार पूछेंगे, एड्रेस भी पूछेंगे, और अब ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है और पहले कैसी थी पाल वाले के पास काम करवाने के बाद। और ये भाई इसके साथ आए हैं, सब ने चेक किया ट्रैक्टर। भाई साहब एक बार अपना एड्रेस बताओ, अपना नाम और जिम्मेदार भाई ने। हाँ जी, मेरा नाम अक्षय चौहान है, गांव सगे गांव, तहसील मारी नीलू खड़ी है, जिला मारा कनाल है। ठीक है भाई साहब, जैसे आपने पहले ट्रैक्टर नया लेने के बाद है, और सबसे पहले कहाँ जैसे कोशिश करी सेट करवाने की? तो मारे की यार दोस्त अब जब लगा था, उसका कोई यार दोस्त था, उसने कहा भाई करके मैं पाल डीजल वाले पर पंप करवा के ले आया, तो मारने भी लाल चाह गया। अच्छा, उसने बताया आपको? हाँ भाई, वो जो उसके पास गए मैं मिलन भी गए उसके पास, तो उसने मारे तो बताया कि भाई हाँ भाई बढ़िया चला ट्रैक्टर। ठीक है, मैंने उस वाला ट्रैक्टर देखे, उस वाला थोड़ा ठीक सा चला था, मारा था जो मतलब कंपनी का ओरिजिनल ट्रैक्टर था उससे थोड़ा सा 21 चल रहा था। नहीं मारा तो चले ही नहीं। हाँ ठीक नहीं, जो उसके वाला थोड़ा लग गया भाई हाँ भाई ठीक है। हाँ। भी उसी लालच में उसके वहाँ पर पटियाला गए पाल डीजल वाले के पास, उन्होंने हमारा पंप खोल लिया, मतलब सारी सेटिंग करी, तो हम ले आए ट्रैक्टर उधर ही लेगा, उधर नहीं पंप ही खुलवा के लेके पंप लेके दे। हाँ, तो मैंने वहाँ से आके चलाया तो रोटरवेटर में दबे आयो, मैंने उसको फोन कर ट्रैक्टर दब रहा रोटरवेटर, उन्हें कहा भाई थोड़ा तेल बदाओ, मैंने थोड़ा तेल नहीं बदा। तेल बदाने से तो भाई साहब ये बात है ना, नॉर्मल भी अगर पैसे क्यों लगाओ किसान है, तेल तो बदाना तो खुद भी बदा सके। जो नमर तक है तो वही मैंने कर, मैंने इसका तेल भी बदा के देखा, तो ट्रैक्टर पहले तो दबाई नहीं, तो रोटरवेटर पे अटके, रोटरवेटर पे काम करवाने से पहले हाँ तो दबाई नहीं, तो सारा नहीं चल रही, गिर गया दोनों लीवर, तो एन बढ़िया चला था, तो वहाँ पर वो काम करवाया तो ट्रैक्टर हमारा बिल्कुल ही डल हो गया, मतलब पैसे भी लग गए और जो ट्रैक्टर था उससे हालत भी खराब। साल रिपर का सीजन मारा तो 1.5 लाख रुपए का तेल खाया मेरा, 214-215 ट्रालियों में। कितना खाना चाहिए था वैसे? इसने खाना चाहिए 80-90 हजार रुपए का तेल, वैसे भी नुकसान हो गया, ट्रैक्टर की हालत भी खराब होगी और वहाँ पैसे भी लगे। फिर मैंने दूसरे मिस्त्री पे भी, मतलब जिस तरह यूट्यूब पर देखे, फिर सुरेंद्र मैले तभी फिर हमारी बात भी हुई है। ठीक, आपने यूट्यूब पर देखा मिस्त्री से संपर्क करा? आपने जैसे मैंने यूट्यूब पर सुरेंद्र मैले का देखा सिस्टम, इसकी कई वीडियो देखी मैंने, फिर मेरे मन में आ गया भाई, फिर मैंने यहाँ पर इस बात करके फिर मैं यहाँ ट्रैक्टर लिया, तो आज मैंने ट्रैक्टर चला के देखा, इससे पहले भी चला के देखे, उसकी वीडियो भी है मेरे पास, ट्रैक्टर मोड पे जाके दब जाता है यहाँ नहीं। जैसे आपने तीसरे में मतलब मीडियम में भी खुल कर आपने सभी गियर में चला के देख लिया, पहले में जैसे पहले से ज्यादा तीसरे मीडियम में चालू हो जाए इसकी, फिर आपने दूसरे हाई में भी चलाया, और ये कंडीशन आपने देख ली तकरीबन, यहाँ कई बार रो घूम रही है, हालत खराब हो रही ट्रैक की, और उसके बाद आपने चौथे मीडियम में भी शायद लगाया था ये। चौथे मीडियम में चलाया था, चौथे मीडियम में चला, वो गियर तो लगभग बाइक का, वो उस गियर का तो कोई मतलब नहीं, काफी हाई बस ये मतलब ट्रायल करके बस चले नहीं, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक्टर इतने बड़े गियर में चल रहा था, बंद नहीं हुआ ट्रैक्टर, बंद नहीं हुआ ट्रैक्टर। और जैसे मिस्त्री ने काम किया, अब अपने मतलब कैसा लग रहा है मिस्त्री का पर्सनल व्यवहार कैसा है? नहीं, मिस्त्री का बहुत बढ़िया व्यवहार है, हर काम भी तसल्ली तक किया है, तसल्ली तो बड़े संतुष्ट है इसके काम से। काम एक फायदा ये भी है भाई, अगला चेक करवा दे साथ में, हाँ। इसका फायदा ये भी है ना भाई, हम ट्रैक्टर छोड़ के गए, इसने अपना हमारा जो पहला था ट्रैक्टर उसका लोड भी चेक करवाया, देख लो भाई वो लोड है सारा, तो अब तो कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सही बात है, तो मेरा संतुष्टि होगी, हमारा जिम्मेदार भाई युद्ध ही है कि पाल वाले डीजल के चक्करों में फंसी हो, भाई सुरेंद्र मैला जी है और इसके पास आओ और काम करवाओ। हाँ, पहले आग अपना ट्रैक्टर चेक करो, उसके बाद काम होने के बाद चेक करो। बहुत धन्यवाद इसका, बहुत बढ़िया काम करके दिया, हम दिल खुश हमारा सारे भाइयों का। ठीक है भाई साहब, ठीक है। ये था भाई अपना मैला मिस्त्री जी, ये वीडियो जैसी लगे कमेंट करना भाई।